अजी डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, जब उनके हाथ में हो गोला बारूद या पिस्टन। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, जब उनके हाथ में हो गोला बारूद या पिस्टन। भाई ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि एल्विस यादव ने बिग बॉस पे हिला दिया सलमान का सिस्टम। वेल भैया सलमान खान भी सोच रहे होंगे, मैंने किसकी आर्मी से पंगे ले लिए, मेरी तो पूरी लंका लगा दी सारे के। नहीं जरा सल भाई, पुणे सुपरस्टार क्या कमी थे, वो अलग बात है कि पुणे सुपरस्टार का अकाउंट डिलीट हो गया इंस्टाग्राम से, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन भाई हाल ही के वीकेंड के बार में सल्लू भाई आते हैं, सल्लू भाई भाई किस क्या भांगंग क्या खाकर आए थे, इतना गुस्सा इतना अग्रेशन केवल एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर, केवल अभिषेक। खैर अभिषेक को इतना ज्यादा नहीं किया गया, वो पहले ही कर रहे थे। अभिषेक मनीषा एंड एल्विस की तो मतलब यार कौन सी खुन्नस निकाल ली है, फालतू में इतना ज्यादा कॉन्टॉन्ट मारता है। मतलब मैं इतना ज्यादा यार ऑफकोर्स मैं इतना ज्यादा भगवान की दुआ से वेला नहीं हूं कि मैं 24/7 बिग बॉस देखूं, हाँ बट फिर भी मैंने काफी सारे एपिसोड देखे हैं, काफी सारी क्लिप्स वगैरह देखता रहता हूं। अब एक्चुअली में काफी सारे मतलब जो होते रहते खबरें पता लगती रहती है। मेरे अभी तक एक बात नहीं हजम हो रही कि आखिरकार मनीषा रानी ने ऐसा कौन सा बड़ा कांड कर दिया था जिसकी वजह से भाई सब सल्लू भाई ने इतना ज्यादा उसे हटकाया, इतना कुछ क्या कुछ यार बोल गए। मतलब कोई धक्का दे रही है वो आपकी टुनटुन मौसी, उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। आपके वो सो कॉल्ड पूजा भट्ट, भाई मेरे को लग रहा है ट्रॉफी भी भाई ले जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं ना, कोई उसका वो नहीं है। देखो भाई होता क्या है कि फालतू में यहाँ पर मनीषा रानी को टारगेट किया गया, एंड एक्चुअली कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मनीषा रानी की इसकी और फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लोगों की और सिंपैथी उसके साथ है, एंड भाई सिस्टम के ऊपर तो फालतू बेवजह भड़क रहे हैं हमारे सल्लू भाई। मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही भाई। देखो सल्लू भाई ना कभी कभार चरस गांजा फूंक कर आ जाते हैं, या फिर उनको जो होते हैं मेकर्स वो फालतू की स्क्रिप्ट दे देते हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जो इतना वायरल मीम चल रहा है ना सल्लू भाई का, आऊँ मैं तेरी औकात याद दिलाऊँ, वो भी सीजन 13 का था, वहाँ पर भी भारत छाबड़ा, हाँ वही जिनकी गर्लफ्रेंड बिग बॉस के OTT के सेकंड सीजन में लिप टू लिप किस करती हुई नजर आई थी जाद हजीज को, उन्हीं के कैरेक्टर के पीछे बेचारे भारत छाबड़ा को पेला गया था, एंड फालतू में पेला गया था, जो कि भाई सल्लू को भी पता लग गया होगा कि भाई मैंने किस लड़की का स्टैंड ले लिया। वो तो खैर रियलिटी आगे सामने अच्छी बात है, एंड वही चीज़ हुई भाई हमारी मनीष रानी के साथ। भाई मनीषा रानी पर तो कौन सा गुस्सा निकाल लिया, एंड उसके बाद एल्विस यादव, भाई साहब इतने सारे विवाद हुए लेकिन आज तक किसी के विवाद के चक्कर में उसके माँ बाप को नहीं इन्वॉल्व किया गया। बट भैया इस सीजन में तो यहां पर सल्लू भाई ने सीधे घुमा दिया फोन एल्विस की माँ की तरफ, एंड भाई ऑफकोर्स माँ को देखकर तो सारे लोग ही इमोशनल हो जाते हैं, वही एल्विस के साथ भी हुआ। भाई 500 में टिकटें तुम बिकवाते होगे अपने वीडियो वो क्या आया था अभी जल्दी में, कौन सा इनका वीडियो रिलीज हुआ था, हाँ किसी का भाई किसी का जान, जो देखते ही निकल जाए सबके प्राण। एंड भाई मजे मजे में सल्लू भाई ने कह दिया तुर्रम खां हो तो अपनी आर्मी है वगैरह वगैरह। एंड एल्विस भाई इनके कमेंट तुम देखो जाकर भरे परे गालियों से, हैशटैग एल्विस आर्मी। भाई साहब 66 point something मिलियन थे, वो हो चुके 63 point something मिलियन, मतलब यार 3 million सीधे सीधे गिर गए। भाई साहब इतना बड़ा फैन फॉलोइंग मैंने तो आज तक, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार का सिस्टम हिला दिया तुमने पूरा का पूरा। एंड इसके बाद देखो जो हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि भाई अभी तक ना कहीं कंपटीशन मेरे को दिख रहा है अभिषेक एंड एल्विस यादव ने, बट जो चीज़ें एल्विस के साथ हो रही ना उससे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जिस हिसाब से फाइनल वापस पास आ रहा है उसी हिसाब से भाई एल्विस को लोग और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई एल्विस तुम मेरे को लग रहा है फुकरा से ट्रॉफी लेकर ही मानोगे। एंड भैया ये मोहतरमा जिया शंकर, भाई ये अभी तक अपने कांटे लाने सन्स वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इनका अभी भी यहाँ पर एक नया टीवी सीरियल चल रहा है, जिस टीवी सीरियल में ये किसी सामने वाले बंदे को साबुन का पानी पिला देती हैं और फिर उससे बोलते हैं भाई मैं तो इससे अनसेफ फील कर रही हूँ बहना, तुमने उसे साफ साफ मारने की कोशिश कर दी एक तरीके से, एंड आप कह रही हो मैं इस बंदे से अनसेफ फील कर रही हूँ। भाई साहब, भाई अगर आपको डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता ना, आपको जिया का कैरेक्टर देख लेना चाहिए, जो हिसाब से बिग बॉस में चल रही है ना वो परफेक्ट एग्जांपल है डबल स्टैंडर्ड का। एंड पूजा भट्ट, भाई दुनिया गलत हो जाए हर कुछ गलत हो सकता है, बट पूजा भट्ट जो कहते हैं वो गलत हो जाए असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो भाई अच्छा है पूजा भट्ट ने किसी इलेक्शन के बारे में नहीं कुछ ऐलान कर दिया, वरना वो भी मेकर्स को सर्च करना पड़ जाता।
भाई साहब, मैं सच्ची दिल के साथ एक फीलिंग अपनी शेयर करना चाहता हूँ। अगर सच्ची से ये बिग बॉस का जो टेलीकास्ट आता है ना, ये स्वर्ग से अगर मंथरा देख रहे होगा ना, तो मंथरा भी बेचारी शर्मा गई होगी कि भाई मैं तो यूं ही बदनाम हूँ, असली तो घर में जो कलेश है वो बिग बॉस वाले क्रिएट करते हैं। भाई साहब, इन्होंने इन तीन का ग्रुप बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर लिया, भैंस की आँख को डैस की आँख बना दिया। एंड भाई इसके अलावा और क्या क्या, मतलब अभिषेक वर्सेस एल्विस, इनकी तमन्ना ही रह जाएगी, बट भाई ये कभी हो नहीं पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई वो तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारे हर हर सीजन में तुम्हें वो रोस्ट करते हैं, तो उन्हें तुम्हारी सारी हरकतें बहुत अच्छे से पता है। इवन अभिषेक तो ये भी, मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें भाई साहब बंदा अंदाजा लगा रहा है कि ये पूजा भट्ट को पूरी स्क्रिप्ट पहले ही से नहीं मिल गई। एंड उसके बाद ही सेम वीडियो आता जहां पर पूजा भट्ट के हाथ में आई थिंक कुछ मोबाइल फोन वगैरह क्लियरली नहीं आ रहा था, बट हाँ कहीं ना कहीं चीजें सामने आ रही थी। सब जिस हिसाब से इस बार सल्लू भाई वीकेंड के बार पर आए थे ना, मेरे को पक्का एक ही शक हो रहा था कि जो एल्विस यादव की पुरानी रोस्टिंग वाली वीडियो थी ना, जिसमें जमकर सलमान खान की ली गई थी एल्विस द्वारा, तो भाई वही वीडियो देख कर आए थे सलमान खान। एंड उसके अलावा भाई जो जो एल्विस यादव ने कहा था कि सलमान के फैंस इतने बिल्ले बैठे हैं जो भाई उनको सलमान की मूवीज देखनी है, तो भाई मेरे को तो लग रहा है ये सब उन्हीं की खुन्नस यहाँ पर निकाल रहे थे। एंड इसके अलावा भाई टुनटुन मौसी ने पता नहीं भांग खाकर इसे कौन से लड्डू दिए, जो टुनटुन मौसी की तो कुछ बजती ही नहीं है यार। मतलब जिस हिसाब से वो बंदी करती है ना, उसे तो शो से निकाल देना चाहिए यार। तुम्हें पुनीत सुपरस्टार के साथ रहता है, ये लोग नहीं रह पाएंगे, बट जो टुनटुन और जो जिया शंकर की हरकतें हैं भाई साहब, वो तो खैर पुरानी रीत चली आई, ये कलर फेस को तो फिनाले में पहुंचा ही देंगे। मेरे हिसाब से ना ये पक्का कहीं, मेरे को तो डर लग रहा है जिस हिसाब से सीजन 16 में उन्होंने झूल किया था ना प्रियंका को, पूरी सीजन में चिल्ला चिल्ला कर बेचारी का गला बैठ गया प्रियंका अर्चना का, और विनर किसको बना दिया था, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है MC Stan को, तो भाई इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही ना करते, क्योंकि TRP तो मिली गई आखिरी डे के बाद, क्या कर लोगे, बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस, सीजन 17 आएगा फिर से देखने लगोगे।